और जब ऐसा लगता है कि अरे यार गणेश उत्सव आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है कि पापा जल्दी आ गए घर वापस, और एक अच्छा अलग ही सुकून सा महसूस होता है और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है घर में, एक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तौर पर मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपको एक बात बताऊँ, जब से मैं आँखें खोली हैं, पहले दो तीन साल तो मालूम नहीं पड़ा होगा मुझे क्या है, चार पाँच साल की उम्र से मेरे घर पे, मतलब जहाँ मैं पहले रहता था रामचंद्र बिल्डिंग में मेरी चाल में, वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का, वो 11 दिन चार से साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे। ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था, हम चाल में तो सब दिखता है ना अंदर क्या है, सब खुला ही होता है, हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद चक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का। तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज़ करते थे और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े। तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना, ये इसका नशा ही अलग है, ये यादें मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही जाएंगे। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमे देव सर्वकालेषु सर्वदा ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि प्रासवयत् भद्रं तन्नास त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वंदनां मृत्युर्मे क्षेमामृतां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते काल हर दुःख हर दारिद्र हर कष्ट रोग हर 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 महादेव। थैंक यू सो मच। Happy Ganesh Chaturthi to all of y'all.